दोस्तों, कल्पना सरोज की कहानी थोड़ी फिल्मी है लेकिन 100% सच्ची है। कल्पना सरोज का जीवन स्लम डॉग मिलीनियर मूवी को यथार्थ में प्रेजेंट करता हुआ लगता है। कल्पना सरोज की कहानी उस दलित पिछड़े समाज की लड़की की कहानी है जिसे जन्म से ही अनेकों कठिनाइयों से जूझना पड़ा, समाज की उपेक्षा सहनी पड़ी, बाल विवाह का आघात झेलना पड़ा, ससुराल वालों का अत्याचार सहना पड़ा और 2 रुपए रोजाना से नौकरी तक करनी पड़ी। एक समय खुद के जीवन को खत्म करने के लिए उन्होंने जहर तक पी लिया। लेकिन आज वही कल्पना सरोज 500 करोड़ की कंपनी की मालिक है। आइए जानते हैं कल्पना सरोज की बेहद ही इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। कल्पना सरोज का जन्म 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के छोटे से गाँव रोपड़खेड़ा के एक गरीब दलित परिवार में हुआ। कल्पना के पिता हवलदार थे और उनका वेतन 3,000 रुपये मात्र था, जिसमें कल्पना के 2 भाई, 3 बहनें, दादा दादी और चाचा चाची के पूरे परिवार का खर्चा चलता था। उनका परिवार पुलिस क्वार्टर में रहता था। कल्पना पास के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। वो पढ़ने में होशियार थी लेकिन स्कूल में उन्हें और बाकी दलित बच्चों को सबसे अलग बैठाया जाता था और उनसे बेहद ही हीन और उपेक्षा भरा व्यवहार किया जाता था। कल्पना जी अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहती हैं, हमारे गांव में बिजली नहीं थी, कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। बचपन में स्कूल से लौटते वक्त गोबर उठाना, खेत में काम करना और चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां बीनना पड़ता था। कल्पना सरोज जिस समाज से हैं वहां लड़कियों को जहर की पुड़िया की संज्ञा दी जाती थी, इसीलिए उनके समाज में लड़कियों की शादी जल्दी करके परिवार का बोझ कम करने की कुप्रथा प्रचलित थी। जब कल्पना सरोज 12 साल की हुई तब वो 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी। तभी समाज के दबाव में आकर उनके पिता ने कल्पना की पढ़ाई छुड़वा दी और उम्र में बहुत बड़े लड़के से उनका बाल विवाह करवा दिया गया। शादी के बाद वो मुंबई चली गई जहां एक कठोर जीवन और यातनाएं उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। कल्पना सरोज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे ससुराल वाले मुझे खाना नहीं देते थे, बालों से पकड़कर घसीटकर पूरे घर में सभी मुझे बेरहमी से मारते पीटते थे, जानवरों से भी बदतर बर्ताव करते थे। कभी खाने में नमक के बहाने से तो कभी कपड़े साफ नहीं धुलने के बहाने से हर कोई अपना हाथ मुझ पर साफ करता था। ये सब सहते सहते कल्पना जी की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी थी कि जब 6 महीने बाद उनके पिता उनसे मिलने आए तो अपनी बेटी को देखकर वो हताश हो गए और उन्हें वापस अपने गाँव ले आए। यहाँ उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। जब शादीशुदा लड़की मायके आ जाती है तो समाज उसे अलग ही नज़र से देखता है। पड़ोस के लोग उन पर ताने कसते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। पिता ने कल्पना को दोबारा पढ़ाने की कोशिश की लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में इतना दुख झेल चुकी कल्पना का मन अब कहीं नहीं लगता था। हर तरफ से मायूस कल्पना को लगने लगा कि जीवन जीना बेहद ही मुश्किल काम है और मर जाना आसान है। उन्होंने कहीं से कीटनाशक जहर की 3 बोतलें खरीद ली और चुपके से अपनी बुआ के घर चली गई। बुआ जब चाय बना रही थी तभी कल्पना ने 3ों जहर की बोतलें पी ली। बुआ जब चाय लेकर वापस आई तो चाय के कप छूटकर जमीन पर गिर गए। उन्होंने देखा कल्पना के मुंह से झाग निकल रहा था। अफरा तफरी में डॉक्टरों की मदद ली गई। कल्पना का बचना मुश्किल लग रहा था पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था और उनकी जान बच गई। इसके बाद उनका जीवन बदल गया और जिंदगी ने उन्हें जीने का एक और मौका दिया। कल्पना कहती हैं, जब मैं बच गई तो सोचा जब कुछ करके मरा जा सकता है तो इससे अच्छा है कुछ करके जिया जाए। उन्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। अब वो अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी। इस घटना के बाद उन्होंने कई जगह नौकरी पाने की कोशिश की पर उनकी छोटी उम्र और कम शिक्षा की वजह से कोई भी काम उन्हें नहीं मिल सका। इसलिए उन्होंने काम की तलाश में मुंबई जाने का फैसला किया। 16 वर्ष की उम्र में कल्पना अपने रिश्तेदार के यहाँ आ गई। कल्पना सिलाई करना जानती थी इसलिए उनके रिश्तेदार उन्हें एक कपड़े की मिल में काम दिलाने ले गए। उस दिन को याद करके कल्पना जी बताती हैं, मैं मशीन चलाना अच्छे से जानती थी पर न जाने उस दिन मुझसे मशीन चली ही नहीं, इसलिए मुझे धागे काटने का काम दे दिया गया जिसके मुझे रोजाना 2 रुपए मिलते थे।
उन्होंने कुछ दिनों तक वहां पर धागे कातने का काम किया और जल्दी ही उन्होंने अपना आत्मविश्वास पा लिया और मशीन भी चलाने लगी, जिसके उन्हें महीने के 225 रुपए मिलने लगे। इसी बीच किन्हीं कारणों से पिता की नौकरी चली गई और अब कल्पना का पूरा परिवार मुंबई आकर उनके साथ रहने लगा। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उनकी बहन की एक गंभीर बीमारी से मौत हो गई। तब कल्पना को यह एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो वो है गरीबी। उस दिन से उन्होंने निश्चय किया कि वो इस बीमारी को अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। उन्होंने अपने घर में कुछ सिलाई मशीनें लगवा ली और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर दिन में 16-16 घंटे काम करने लगी। उनकी कड़ी मेहनत की ये आदत आज भी बरकरार है। सिलाई के काम से कुछ पैसे आ जाते थे, पर ये पैसे काफी नहीं थे, इसलिए उन्होंने बिजनेस करने का सोचा। उनके इलाके में एक आदमी था जो लोन दिलवाने का काम करता था। उस आदमी ने कहा, अगर 50,000 का लोन चाहिए तो उसमें से 10,000 इधर उधर खिलाने पड़ेंगे, पर कल्पना इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसी रिश्वतखोरी से निपटने के लिए उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जो लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में सही जानकारी देता था और लोन दिलाने में मदद करता था। धीरे धीरे ये संगठन काफी पॉपुलर हो गया और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने के कारण कल्पना सरोज की पहचान कई बड़े लोगों से हो गई। उन्होंने खुद महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए का कर्ज लिया और 22 साल की उम्र में फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया, जिसमें उन्हें काफी सफलता मिली। इसके बाद कल्पना ने उन पैसों से एक ब्यूटी पार्लर खोला। इसके बाद कल्पना ने एक स्टील फर्नीचर व्यापारी से दोबारा शादी की और उनकी एक पुत्री और एक पुत्र हुए। 1989 में पति का देहांत हो गया। अब परिवार का बोझ दोबारा कल्पना के कंधों पर आ गया। एक दिन एक व्यापारी अपनी जमीन 2.5 लाख रुपए में बेचने के लिए कल्पना के पास आया, लेकिन उनके पास जमीन खरीदने के पैसे नहीं थे। उस व्यापारी ने कहा, आप 1 लाख रुपए मुझे अभी दे दें, बाकी के बाद में दे दीजिएगा। कल्पना ने अपनी जमा पूंजी और कहीं से उधार मांगकर 1 लाख रुपए उसे दे दिए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला जमीन विवादास्पद है और वहां कुछ बनाया नहीं जा सकता। उन्होंने 2 साल तक दौड़ भाग करके उस जमीन से जुड़े सभी मामले सुलझा लिए और 2.5 लाख की कीमत वाली वो जमीन रातों रात 50 लाख की बन गई। एक औरत का इतनी महंगी जमीन का मालिक बनना इलाके के गुंडों को पचा नहीं और उन्होंने कल्पना की हत्या की साजिश बना डाली। पर यह उनके अच्छे कर्मों का फल ही था कि हत्या के पहले किसी ने उन्हें इस साजिश के बारे में बता दिया। पुलिस की मदद से वो गुंडे पकड़ लिए गए। इस घटना के बाद कल्पना अपने पास एक लाइसेंस रिवॉल्वर रखने लगी। उनका कहना था कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के इस वचन में विश्वास रखती हूँ कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है 1 दिन शेर की तरह जियो। आत्महत्या के प्रयास के दौरान वो मौत को इतने करीब से देख चुकी थी कि उनके अंदर से मरने का डर कब का खत्म हो चुका था। उन्होंने अपने दुश्मनों को साफ चेतावनी दे दी थी, इससे पहले कि तुम मुझे मारो जान लो कि मेरी रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं, 6ठी गोली खत्म होने के बाद ही कोई मुझे मार सकता है। ये मामला शांत होने के बाद उन्होंने जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने की सोची, पर इसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने एक बिजनेसमैन से पार्टनरशिप कर ली। उन्होंने कहा, जमीन मेरी और कंस्ट्रक्शन आपका। उन्होंने मुनाफे में 65% अपना शेयर एग्रीमेंट करके 4.5 करोड़ रुपए कमाए। इसके बाद एक कंपनी थी कमानी ट्यूब्स, जो 1985 में लेबर यूनियन और मैनेजमेंट में विवाद होने के कारण बंद कर दी गई। 1988 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐतिहासिक फैसले में कंपनी का मालिकाना हक वर्कर्स को दे दिया गया। वर्कर्स इसे ठीक से नहीं चला पाए और कंपनी पर करोड़ों का कर्ज आता चला गया। इस स्थिति से निपटने के लिए कमानी ट्यूब्स कंपनी के वर्कर्स सन 2000 में कल्पना सरोज के पास गए। उन्होंने सुन रखा था कि कल्पना सरोज अगर मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। कल्पना को जब यह बताया गया कि कंपनी 116 करोड़ के कर्ज में डूबी है और उस पर 140 लिटिगेशन के मामले हैं, तो उन्होंने कंपनी में हाथ डालने से मना कर दिया। पर जब उन्हें बताया गया कि इस कंपनी पर 3,500 मजदूरों
और उनके परिवारों का भविष्य टिका है और बहुत से वर्कर्स भूख से मर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो वो कंपनी की मदद करने के लिए तैयार हो गई। बोर्ड में आते ही सबसे पहले उन्होंने 10 लोगों की कोर टीम बनाई जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट थे। फिर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कराई कि किसका कितना पैसा बकाया है। उसमें बैंक के, गवर्नमेंट के, उद्योगपतियों के पैसे थे। कंपनी पर जो उधार था उसमें से आधे से ज़्यादा का कर्ज पेनल्टी और इंटरेस्ट था। कल्पना सरोज तब के तात्कालीन वित्त मंत्री से मिलने गई और उन्हें बताया कि कमानी इंडस्ट्री के पास कुछ है ही नहीं, अगर आप इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ़ करा दें तो हम क्रेडिटर्स को उनका मूलधन वापस कर सकते हैं, और अगर ऐसा ना हुआ तो कोर्ट कंपनी का लिक्विडेशन करने ही वाला है। यदि ऐसा हुआ तो क्रेडिटर्स को एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने बैंक को कल्पना के साथ मीटिंग के निर्देश दिए। मीटिंग में बैंक कल्पना सरोज से प्रभावित हुए और ना सिर्फ पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ़ किए बल्कि एक लेडी एंटरप्रेन्योर द्वारा जेन्युइन एफर्ट्स को सराहते हुए कर्ज मूलधन से भी 25% कम कर दिए। कल्पना सरोज सन 2000 से कंपनी के लिए संघर्ष कर रही थी। सन 2006 में कोर्ट ने उन्हें कमानी इंडस्ट्री का मालिक बना दिया। कल्पना सरोज को 7 साल में बैंक के लोन चुकाने के निर्देश दिए गए जो उन्होंने 1 साल में ही चुका दिए। इसके बाद उन्होंने कंपनी को मॉडर्नाइज करना शुरू किया और उसे एक सिक कंपनी से बाहर निकालकर प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। ये कल्पना सरोज जी का ही कमाल है कि आज उनकी कंपनी कमानी ट्यूब्स की कीमत 500 करोड़ से भी ज़्यादा की है। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें 2013 में पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। कोई बैंकिंग बैकग्राउंड ना होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया है। कल्पना जी की ये कहानी कल्पना से भी परे है। आज हम चाहे जैसे भी हो, पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीर, गरीब, इस सबसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी सोच से, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं और अपने बड़े से बड़े सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, और आप मुझसे कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।